सो हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता है, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आप लोगों के डाउट्स कवर किए थे आपके एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड। तो उस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, और मैं जैसे कि मैंने भी उस वीडियो में बोला था कि अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप बताइए, क्योंकि बहुत लोग अपनी स्ट्रैटेजी अभी फॉलो कर रहे हैं और बहुत लोग जो मैंने आपको पहले स्ट्रैटेजी बताई थी उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो 16 डे प्लान था उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आपको एक नई फ्रेश स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, या फिर अगर आपको उसी स्ट्रैटेजी से फॉलो आपको करना है तो आप वो भी कमेंट बता देना, तो उसी हिसाब से मैं फर्दर प्रोसीड करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे जो लोग नए हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपके वीडियो में पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो उसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है पहले कमेंट में, उसके बाद उसका आंसर देखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे याद आई, और वो है आपकी टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको कल ही बताई थी कि डेली आपको एक टेस्ट सीरीज़ मिलती है, यानी डेली आपको एक इंग्लिश का टेस्ट मिलता है जो कि आपका टाइम बताएगा, आपकी परफॉर्मेंस बताएगा, सब कुछ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर डेली लिंक्स मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पर आपको कूपन यूज़ करना पड़ता है तो आपको 100% वो डिस्काउंट में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक बास्केटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, यानी हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले फ्रॉम ईच टीम इन अ बास्केटबॉल, यानी हर टीम में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि कल से मैंने ऑप्शंस देने आपको बंद कर दिए हैं ताकि आप अपना खुद का दिमाग चलाएं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में और आसानी हो। तो इसका सही आंसर है फाइव। ठीक है, तो 5 प्लेयर्स होते हैं हर टीम से एक बास्केटबॉल मैच में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की। When and where did महात्मा गांधी सेट अप साबरमती आश्रम। तो अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, और इस चीज़ की मैंने रिगार्डिंग आपको बताया भी था कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया में, तो उन्होंने बैक टू बैक 3 मूवमेंट चलाए थे। एक सबसे पहले चंपारण था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह था। चंपारण 1917 में किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है टॉप 100 सीरीज़ चल रही है जीके की और वन वर्ड्स की, तो कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आज इवनिंग में क्या होना चाहिए, टॉप 100 जीके होना चाहिए, फिर टॉप 100 वन वर्ड्स। तो जिसमें ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी का करवा दूँगा, क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को फिनिश करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आराम आराम से बहुत कर लिया। और अगर आप देखो तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके अच्छे से चीज़ों को बताया है जीके में खासकर, कि अब आप आसानी से हम लोग रफ्तार पकड़ सकते हैं और चीज़ों को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब रीजनिंग भी पिक करना है और भी बाकी जैसे कि वोकैब्स हो गया, ईडियम फ्रेज हो गया, ये सारी चीज़ें भी अब मुझे पिकअप करनी है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है आ चुकी है, और अब हमें एक टाइम फ्रेमवर्क लेके चलना है कि हाँ तभी एग्ज़ाम होगा और इतना टाइम हम लोग के पास बाकी है, और इतने समय में हम लोग को चीज़ों को फिनिश करके हर चीज़ को रिवाइज़ करके एकदम रेडी बैठना एग्ज़ाम से पहले तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का एक भी नंबर इस बार मिस हो, चाहे जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ। वन वर्ड अगर मैंने 100 टॉप 100 वन वर्ड की सीरीज़ चालू कर रखी है तो क्वेश्चंस वहीं से आएगा। अगर मैंने जीके इतना करवा दिया है कि आपको कुछ अब मेंटल प्रेशर होना ही नहीं चाहिए जीके के रिगार्डिंग, मैंने इतना जीके आपको करवा दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। तो इस वजह से जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, फॉलो करें, जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, और जो मैं वीडियोस डालता हूँ उनको डेली देखते रहें। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब मैं धड़ाधड़ा बोल सकते वीडियो लाने वाला हूँ बैक टू बैक, और ताकि हम लोगों का जल्दी से रिविज़न हो सके चीज़ों का। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था, हु कॉल्ड महात्मा गांधी फॉर चंपारण सत्याग्रह। तो आपको पता है एक व्यक्ति थे जिन्होंने, जो चंपारण बिहार के रहने वाले थे, और उन्होंने ही गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण में एक सत्याग्रह करने के लिए। तो कौन थे वो व्यक्ति, तो इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला इनका पूरा नाम था, और इन्होंने ही इन्वाइट किया था गांधी जी को चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया, यानी वेयर डिड महात्मा गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे किया था, इंडिया में किया था या फिर इंडिया से बाहर किया था। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये गांधी जी ने
इंडिया के बाहर किया था। अब वो कंट्री का नाम आपको बताना, गेस कीजिए आप। देखिए, चाहे भले आपको बिल्कुल ना आता हो, लेकिन आपको गेस ज़रूर करना है एटलीस्ट यहाँ पे। यहाँ पे कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, आप जितना गेस करेंगे, जितना अटेम्प्ट करेंगे, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। सही आंसर है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, यानी वेयर डिड महात्मा गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, और ये वाला क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है भारत में उन्होंने इस चीज़ का, यानी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था। पहली बार तो देख लिया, साउथ अफ्रीका में किया था, जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इंडिया में इन्होंने कब किया था। तो इसका सही आंसर है चंपारण बिहार, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, यहीं पे सत्याग्रह का पहली बार यूज़ किया था महात्मा गांधी ने इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ, यानी व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। तो आप देख सकते हो कि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कि बार बार वही क्वेश्चन अब रिपीट होंगे, और यही चीज़ एग्ज़ाम में भी होगी। एग्ज़ाम में सब दिखे हुए आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सही आंसर है 1917। अब अगला क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। यानी एक्चुअली चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, वो एक सिस्टम था, उसके विरोध में वो किया गया था सत्याग्रह। वो कौन सा सिस्टम था जो कि चंपारण सत्याग्रह में समाप्त कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने? तो वो था तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया प्रथा। ठीक है, अभी क्या होती है उसके डीप में नहीं जाना है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड इसको बोलते हैं, तिनकठिया को। ठीक है, तो लेकिन आपको डीप में नहीं जाना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था, यानी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाई महात्मा गांधी। और अभी अभी मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बताया, तो थोड़ा सा गेस कीजिए कि पहली हंगर स्ट्राइक कहाँ पे की थी, भूख हड़ताल कहाँ पे की थी गांधी जी ने। सही आंसर है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। तो जो अभी मैंने आपको बताया था ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वहीं पे इन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल की थी। इसका मतलब क्या होता है कि धरने पे बैठ जाना, कि जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम कुछ भी खाएंगे और पिएंगे नहीं। तो ये पहली बार किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने। अगला है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, यानी इन विच रिवर इज़ भाखड़ा नंगल डैम सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और बार बार रिपीट होता है आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, कमेंट में लिखिए जल्दी से इसका आंसर। इसका सही आंसर है सतलज। तो सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल डैम स्थित है। कमेंट करके आप ये सभी लोग बताएंगे, आपका होमवर्क है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है, किस राज्य में स्थित है भाखड़ा नंगल डैम। अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, यानी वेयर डिड फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम टुक प्लेस। तो इसका सही आंसर है कनाडा। तो पहली बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में हुए थे, और ये सब मैं पहले भी आपको क्वेश्चंस कई बार करवा चुका हूँ कि कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे, और क्यों होते हैं ये, और किन किन कंट्रीज़ में होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हम लोग के जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो और देखिए, करंट अफेयर्स से मुझे याद आया कि जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि महा पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो आप चिंता मत कीजिए उसके रिगार्डिंग, मुझे आप लोगों से ज़्यादा चिंता है। अगर जैसे भी एग्ज़ाम का डेट वगैरह एडमिट कार्ड आता है, आपको तुरंत जो भी मटेरियल है सब पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आप उसके रिगार्डिंग टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अनु राघवन बिलोंग्स टू विच गेम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलीट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके फोर्स एग्ज़ाम में। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, एथलीट। तो अनु राघवन एक एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिल्ड्स 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल इन विच स्टेट, यानी कि भारत दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल किस राज्य में बनाएगा, राजस्थान, MP, हरियाणा या फिर गुजरात। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजामिन मकापा हु डाइड रिसेंटली वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इनका भी निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है, सूडान, चैड, तंजानिया या फिर वियतनाम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, हु हेड्स द कमिटी टू सजेस्ट मेजर्स टू इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया। तो किसने जो है उस कमिटी का अध्यक्ष था कौन, जिसने कि ये रिकमेंड किया है, ये सुझाव दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन से आके स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ें। EV स्वामी, DP सिंह, GC राव या फिर TK दास। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, DP सिंह।
अगला है, मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी, यानी कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम जो है अभी लॉन्च किया गया है। झारखंड है, दिल्ली है, यूपी है, या फिर जम्मू और कश्मीर है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। तो ये है क्या मैकेडमाइजेशन? ये है, इसके तहत रोडें बनाई जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये लॉन्च किया है यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन फॉर द डे, यानी वो वाला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि व्हाट इज़ इंडियाज रैंक अमंग द टॉप 10 कंट्रीज दैट हैव गेंड इन फॉरेस्ट एरियाज ड्यूरिंग 2010 to 2020। यानी कि इंडिया की रैंकिंग क्या है उन टॉप 10 कंट्रीज़ में जिन्होंने अपने फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो वन क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। तो वन क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए इंडिया ने बढ़ोतरी की है। अब आपसे पूछ रहा है रैंकिंग क्या है इंडिया की, 7, 5, 3, 9 ऑप्शंस हैं। कमेंट करके सभी लोग अपना आंसर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।